सीए मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन रेवाड़ी के गंगाचर्य अहीर का दौरा किया। यहां पर सीएम ने जनता की समस्याएं भी सुनी। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी में तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। तीसरे दिन सीएम मनोहर लाल गंगाचर्य अहीर में जनता से रूबरू हुए और जनसंवाद किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण सीएम के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। सीएम ने गाँव की गोल्ड मेडलिस्ट महिला सरपंच की तारीफ करते हुए कहा कि जब से पढ़ी लिखी पंचायत हुई तब से पंचायतें हर क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में जब से हमारी बेटियां सरपंच बनी हैं, महिलाएं किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। और हमारी यहाँ की सरपंच है बहन पूजा यादव, मुझे अभी बताया गया कि गोल्ड मेडलिस्ट है। क्यों? वैसे तो हमने पंचायतें जब से पढ़ी लिखी पंचायतों का एक रवायत डाला है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत एक एक फील्ड में वो धागे रहने वाली। और फिर अगला कदम उन्होंने उठाया कि भाई सारे पुरुषों का जो कब्जा है उसकी बजाय आधी महिलाएं आधे पुरुष, 50-50% अब दोनों की भागीदारी है। तो इस नाते से जिन गांव में हमारी बहनें सरपंच बनी हैं वो पुरुषों से पीछे नहीं है, उतने ही जोरदार ढंग से काम करती हैं। इस दौरान सीएम अपने 9 साल के कामों का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि हम कोविड के दौरान अपने कार्यक्रम जारी नहीं रख पाए, हम उस मुश्किल दौर से निकल गए हैं, अब हम अपनी जिंदगी को फिर से स्पीड से चलाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के योगदान की भी तारीफ की। 9 साल में हमने खूब सेवा के काम किए हैं, अब इसमें 2-1 साल का ऐसा जो काल निकला है वो बड़ा कठिन दौर भी निकला है, जिसमें सीधी सीधी बातचीत करना भी बड़ा कठिन हो गया था। 4 लोग आपस में बैठ के नज़दीक बात भी नहीं कर सकते थे। वो कौन सा पीरियड था? कोविड का, कोविड महामारी। लेकिन ठीक है, निकल गया, हमने उस पर विजय पाई। मोदी जी का हम बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को लगा करके एक नहीं दो वैक्सीन ईजाद की। अपने देश के लोगों को तो बचाया ही है, आसपास के और पड़ोस के कई देश, छोटे छोटे देशों को वैक्सीन देके उनको भी बचाया है। वरना तो दुनिया में ऐसी महामारी हो गई थी, भरोसा नहीं था कि आगे अब जिंदगी बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन निकल आए उसमें से, आशावादी हैं। अब हम डट करके उसी स्पीड से फिर अपनी जिंदगी को चलाएंगे।